वेलकम टू मस्जिद कुबा। जी नाजरीन, ये वो मस्जिद कुबा है जहाँ पर दो नवाफल अदा करने से आपको पूरे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। मक्का में अगर आप उम्रा करते हैं, आपको तवाफ 7 तवाफ करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको 2 रकत नवाफल अदा करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको आप जमजम पीना पड़ेगा, सफा मरवा के साथ चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतना कुछ करना पड़ेगा तब आपको एक उम्रे का सवाब होगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है आपका उम्रा कबूल होता है या नहीं होता, लेकिन ये मस्जिद कुबा ऐसी जगह है जहाँ पर आप 2 नवाफल अदा करते हैं तो आपको मकबूल उम्रे जितना सवाब मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 2 नफल ही पढ़ने हैं, आप यहाँ पर आकर नमाज भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे तब भी उम्रे का सवाब मिलेगा, नवाफल 2 अदा करेंगे तब भी उम्रे का सवाब मिलेगा। हर रोज़ आकर उम्रा हर रोज़ अगर आप आकर यहाँ पर 2 नवाफल अदा करें या नमाज पढ़ेंगे, हर रोज़ आपको उम्रे का सवाब मिलेगा। मदीना यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, 3 से 4 या 5 किलोमीटर दूर है, पैदल भी लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ आकर यहाँ पर नवाफल अदा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो डेढ़ों सवाब कमाते हैं। आप भी ये सआदत हासिल कर सकते हैं। गाड़ी यहाँ से आती है, मदीना से 2 रियाल लेती है, आपको छोड़ जाएगी वो जो शेयर गाड़ी होती है, शेयरिंग वाली, और बस पर अगर आप आते हैं तो वो 5-7 ज्यारतें आपको इकट्ठी करवाता है, उससे उसमें ये भी एक मस्जिद कुबा भी शामिल है। तो आप गाड़ी पर भी आ सकते हैं, 2-2 रियाल दे के सारे बंदे गाड़ी पर भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पैदल भी आते हैं, यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र बनता है, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 घंटा लग जाता है, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और अपना सवाब इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए भाई, आपको अंदर से भी ज़्यारत करवाते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल में बता देता हूँ साथ साथ, और साथ साथ ज़्यारत भी करते हैं। ये भाई साथ देखें, 2 आगे मीनार हैं इसके, 2 पीछे मीनार हैं इसके। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा इसका नाम रखा गया है। इसकी तारीख ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खुद अपने हाथों से ये मस्जिद बनाई है, मिस्त्रियों का काम किया है, और जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो मजदूरों का काम यहाँ पर करते रहे हैं। ये जो आपको छतरियाँ लगी नज़र आ रही हैं, ये औरतों के लिए जगह बनाई गई है, नवाफल अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और इस तरफ मर्द नवाफल अदा करते हैं। ये आप देखें, बहुत बड़ा ये जो ना रकबा है, यहाँ पे आप वैसे भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। ये वाली गाड़ियाँ 2-2 रियाल में आपको यहाँ पर छोड़ जाएंगी, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है, कबूतर भी हैं, कबूतरों को दाना भी डाल सकते हैं। अब आपको अंदर से भी चक्कर लगवाते हैं, कोशिश करें कि जितनी देर यहाँ पर रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, उम्रा वाले हज वाले, वो भाई यहाँ पर रोज़ आके नौफल अदा करें और सवाब दरहम जितना ज़्यादा हो सके इकट्ठा करें। इसके अंदर दुकान भी बनी हुई है, यहाँ से आप खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, खा पी भी सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर 2 नफल पढ़ना है, मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ना है, हम वो अपना मकसद पूरा करेंगे क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। इधर औरतें जाएंगी, ये वॉशरूम है, ये आपको नजर आ रहा है, इस मैन प्रेयर, यहाँ पर मर्द नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जितना अरसा भी आप यहाँ पे गुजारेंगे, 10 दिन गुजारें, 5 दिन गुजारें, रोज आकर यहाँ पर डेरा सवाब इकट्ठा करें, नमाजें पढ़ें, नवाफल अदा करें। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ईंटें लगाई हुई हैं, अपने हाथों से मिस्त्री का काम किया हुआ है, और हमारे प्यारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर मजदूरों का काम भी किया हुआ है। इससे आगे औरतों को नहीं जाने दिया जाता है, यहाँ इससे आगे सिर्फ मर्द जा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बाहर, ये जूती आपने उतार दें, ये अंदर का नज़ारा है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। यहाँ पर देखें लोग नवाफल पढ़ रहे हैं,
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। यहाँ पर भी आपको जमजम का पानी मिलेगा भाई। वो देखे सामने कितना प्यारा ये आपको नजर आ रहा है। पास जाके आपको दिखा देते हैं भाई। सुबहानअल्लाह। इधर भी इसका गेट है, इधर से भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पर आके दुआएं मांगे भाई, गिर गिरा के रो रो के दुआएं मांगे, अल्लाह ताला कबूल करेगा। यहाँ से ज़्यादा सवाब इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये देखें भाई, यहाँ पे दरवाज़ा बनाया गया है और पीछे वो देखें स्पीकर है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जुम्मे का खुतबा दिया जाता है। ठीक है, ये देखें आप, सुभान अल्लाह। उसके बाद आप ये देखें, कितनी बारीकी से काम किया गया है, खूबसूरती बनाई गई है यहाँ पर। ये गुंबद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सामने देखें, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा है और वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, और ऊपर ये कुल लिखा हुआ है, सूरतुल फातिहा। ये मस्जिद के बाहर वाला हिस्सा है, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बाग बनाया गया है ये एक बैठने के लिए। अभी तो धूप है, इतना मज़ा नहीं आएगा बैठने का, लेकिन जब शाम होगी असर की नमाज के बाद यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रूर आए मदीना पाक, जो भी आता है यहाँ पर ज़रूर आए और सवाबे दरैन हासिल करें। असर की नमाज के बाद भी आएँ तो आप यहाँ पर बैठें एंजॉय करें। हवा हल्की हल्की चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। इन ठंडी हवाओं पे बहुत सारी नातें भी बनी हुई हैं। पढ़ें एंजॉय करें। तो ठीक है भाई, आपको ज़्यारत करवा दी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अब हम दो नफल यहाँ पे अदा करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।